तो चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नई मसालेदार वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अमेजोन के ऊपर आप लोगों को पता ही है यार, प्राइम डे सेल चल रहा है, और इस सेल में आपके लिए कौन से बेस्ट ऐसे ऑफर्स होने वाले हैं, कौन सी डील से आपका ज्यादा फायदा होने वाला है, कौन से पार्ट पे आपको मस्त ऐसे ऑफर मिल रहा है, आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन दबा के, और घंटे को जरूर दबा देना, तभी आपको भाई प्रसाद मिलता रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर, और सीधा मैं आपको बता देता हूं कि आज कौन कौन सी डील्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना वाला हूं। तो यहां पे सबसे पहली चीज कि यार, अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है ना, तो आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऊपर अप टू यहाँ पे 1500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, एंड डेबिट कार्ड के ऊपर थोड़ा कम है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, डेबिट कार्ड के ऊपर। तो ये यूज़ करना मत भूलना, अगर आपके पास HDFC बैंक का हो क्रेडिट या डेबिट कार्ड, तो भाई अप टू 1500 रुपीज़ आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पहली डील मुझे सबसे सही डील लगी है, वो है AMD का Ryzen 5 2600। नाउ इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 13700 के अराउंड ये सेल होता था, बट अभी आपको 600-700 रुपये सीधा ऑफ मिल रहे हैं, और अगर आप ये कार्ड यूज़ करते हो तो भाई अप टू 1300 रुपीज़ आपको और ऑफ मिल जाएंगे, तब तो आपकी चांदी ही चांदी है। और ज़्यादातर डील्स भाई प्राइम मेंबरशिप के लिए है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई 129 रुपया दे के आप प्राइम मेंबर बन जाओ, क्योंकि अभी तो आप मस्त मस्त ऐसी डील्स का फ़ायदा उठा ही लोगे, और साथ में महीने भर ऐसे मूवीज वूवीज भी आप देख सकते हो अमेजोन प्राइम के साथ। तो अगर हो सके तो भाई प्राइम मेंबरशिप ले लेना। तो यहाँ पे सबसे पहली डील ये है Ryzen 5 2600, आप ये ले सकते हो। एक हेक्साकोर CPU 6 कोर्स N12 थ्रेड्स के साथ आता है, साथ में 4.2 तक की आपको इसमें बूस्ट क्लॉक देखने मिल जाती है। अगर आपको गेमिंग के लिए या फिर एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग के लिए कोई CPU चाहिए था, ये तीनों काम आप इस वाले CPU के ऊपर कर सकते हो, तो आप ये वाला CPU ले सकते हो अगर आपको कोई CPU लेना था। नाउ जो दूसरी डील मुझे सही लगी वो है ये APU के ऊपर। अब यार जो लोगों को APU लेना था 3200G, जिनका बजट कम था, जिनको GPU जो लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल के लिए, और बाद में वो अपग्रेड करने की सोचेंगे, अगर बाद में आप GPU भी लगाना चाहो तो इस वाले CPU के साथ आप लगा सकते हो जब आपके पास पैसे आ जाए। तो ये फिलहाल आपको 7865 में मिल रहा है, और पहले भाई 8200-8300 ऐसा कुछ बिक रहा था, तो भी इसमें भी आपको 400-500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड कार्ड के साथ तो भाई आपको और कुछ अच्छे ऐसे मस्त ऐसे छूट मिल जाएगी। तो अगर आप एक APU लेना चाहते थे और आप अपना सस्ते बजट में एक PC बनाना चाहते थे, हल्की फुल्की गेमिंग करनी थी, तो ये आप ले सकते हो। 4 कोर्स एक क्वाड कोर CPU है, इसकी ये वाली डील मुझे सही लगी, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी मैं आपको डील्स बता रहा हूँ सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर कि आप वहाँ से बाई करें, तो उससे थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट डील है भाई मॉनिटर के ऊपर। अब जिसको यार एक बढ़िया सा IPS मॉनिटर चाहिए था, मतलब एकदम बढ़िया मॉनिटर, आपको 22 इंच का मॉनिटर चाहिए, तो आप ये वाला मॉनिटर ले सकते हो, जो कि 8000 रुपीज़ में करंटली सेल हो रहा है, एंड रेगुलर प्राइस इसकी 9000 के अराउंड थी, तो 1000 जैसा आपको कुछ ऐसे ऑफ मिल रहा है इसके ऊपर। और अगर आपको एक मॉनिटर चाहिए था तो LG की तरफ से आप ये ले सकते हो, IPS मॉनिटर है, ठीक ठाक सा मॉनिटर है, काफ़ी कम आपको यहाँ पे बेजल्स भी देखने मिलते हैं, इसमें आपको VGA पोर्ट भी देखने मिलता है, HDMI पोर्ट भी देखने मिल जाता है, बस यहाँ पे रिफ्रेश रेट थोड़ा कम है, 60Hz का है, एंड 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, बट भाई IPS है, तो समझ रहे हो ना। तो अगर आपको एक मॉनिटर चाहिए था IPS वाला, तो ये आप 8000 रुपीज़ में अभी भी ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट यार बात करते हैं, यार कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई G-Sync वाला कोई सस्ता सा मॉनिटर बताओ, तो यार ये वन ऑफ द बेस्ट डील मुझे लगी है अभी के टाइम पे। 27 इंचेस का आपको मॉनिटर G-Sync एनेबल HDR10 का सपोर्ट, मतलब तबाही मॉनिटर है भाई, 144Hz और 1 मिलीसेकंड। तो यार ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ये लोग खाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बट फिर भी भाई 144Hz IPS मॉनिटर आपको 27 इंच का LG की तरफ से देखने मिल रहा है G-Sync के साथ। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, साथ में इसमें आप अपने जो स्टैंड है इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये वाला मॉनिटर आपको यार करंटली 21500 रुपये मिल रहा है, 21500 रुपीज़, रेगुलर प्राइस भाई 27000-28000 में सेल हो रहा था। तो अगर G-Sync वाला मॉनिटर ढूंढ रहे हो तो आंख बंद करके ये वाला मॉनिटर ले सकते हो, काफ़ी तगड़ा मॉनिटर है, और ये वाली डील मुझे काफ़ी सही डील लगी है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट डील है भाई रैम के ऊपर। अब अगर आप एक रैम ढूंढ रहे थे सस्ता सा, तो आप ये वाला रैम ले सकते हो, जो कि मुझे सही लगी है। 3000 रुपये में आपको यार 3000 MHz वाला रैम मिल रहा है अडाटा की तरफ से, XPZ गेमिंग्स वाला रैम, जो कि ठीक ठाक सा है भाई, मतलब 3000 रुपये में ऐसी कोई तबाही डील तो नहीं है, बट फिर भी आप 3000 रुपये में अभी के टाइम पे ये ले सकते हो, और रेगुलर प्राइस भी आपको इसकी 3052 रुपीज़ जैसा कुछ देखने मिल रहा था। तो ये वाला रैम आप ले सकते हो अगर आपको एक रैम लेना था, तो 3000 रुपये में ठीक ठाक सा ऐसा कुछ तबाही डील नहीं है, ठीक है।
नाउ भाई कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे आपको कैबिनेट मिल रहा है एंटी स्पोर्ट्स का IC200TG। ये भी कुछ ऐसे तबाही डील नहीं है। रेगुलर प्राइस इसकी लगभग 2900 के अराउंड सेल करता था, अभी 2749 रुपीज़ में मिल रहा है। बट फिर भी अगर आपको एक कम बजट में कैबिनेट, अच्छा सा कैबिनेट चाहिए था जिसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाए और फ्रंट में RGB स्ट्रिप भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है और रियर में 120mm का RGB फैन भी देखने मिलता है, रेनबो फैन, तो आप ये वाला कैबिनेट ले सकते हो। अगर आपको कैबिनेट लेना था तो ये कैबिनेट आप बाई कर सकते हो। ठीक ठाक सा कैबिनेट है, बिल्ड क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक सी प्रोवाइड करा देता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं SSD के बारे में। तो जो लोग को यार 240 GB की SSD लेनी थी, रेगुलर प्राइस आपको ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ में सेल कर रहा था ये पहले, एंड नाउ आपको 2750 रुपीज़ में मिल रहा है। तो 240 GB की SSD लेनी थी तो आप ये ले सकते हो WD की तरफ से। 240 GB की SSD है, मतलब ठीक ठाक सी SSD है, आपका काम चला देगी ऐसा समझो। और 240 GB मतलब ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं है, बट अगर आप एक बजट बिल्डर हो तो आपके लिए भाई 240 GB मतलब आपके लिए मोर देन इनफ है। विंडोज़ आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज ये थी वो कुछ डील्स जो कि अभी के टाइम पे आपको सही ऑफरिंग्स मतलब ऐसे दे रही हैं, तो आप ले सकते हो अगर आपको लेना हो। और इनमें से अगर आपको कोई भी डील पसंद आई हो तो सभी डील्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके बाई कर सकते हो। तो बस गाइज, सो गाइज ये थी कुछ अमेजिंग डील्स जो कि मुझे अच्छी लगी, और अगर आपको इनमें से कोई भी डील पसंद आई हो तो सभी डील्स की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप सिंपली सिंगल क्लिक से बाई कर सकते हो और अपना पीसी बना सकते हो। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मैं विवेक मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मचाते रहो।